गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब ये सेकेंड लेक्चर है जहां पे मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट उसके ये यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट अमाउंट का है, और उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। पहले रिजल्ट क्या है उसके वो समझते हैं। दिया हुआ रिजल्ट इसमें क्या कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव कन्वर्शन पीरियड। पहले हम समझते हैं कि कन्वर्शन पीरियड क्या होता है। तो कन्वर्शन पीरियड क्या होता है, द पीरियड इन विच द प्रिंसिपल विल चेंज। यानी अगर फर्स्ट ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल है, क्या वो सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल होगा, नहीं होगा। तो सेकेंड ईयर जो है हमारा क्या है, कन्वर्शन पीरियड है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव कन्वर्शन पीरियड इज द इंटरेस्ट। दो कन्वर्शन पीरियड यानी अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस क्या है, इज द इंटरेस्ट ऑफ वन पीरियड ऑन द सीआई ऑफ द प्रीसीडिंग कन्वर्शन। इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट किस पे आ रहा है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पे आ रहा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए हर ईयर में, हर पीरियड में हमारा जो है क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड रिजल्ट दिया हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव कन्वर्शन पीरियड। यानी फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उसका डिफरेंस, ठीक है। अगर मानते समझते हैं, अगर दो ईयर दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस इज ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ वन पीरियड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिसीडिंग पीरियड। यानी प्रिसीडिंग पीरियड मतलब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसी का इंटरेस्ट है, उसी का क्या है आपका, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहले फर्स्ट पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फर्स्ट रिजल्ट पे, फिर मैं सेकेंड रिजल्ट पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ओके। फर्स्ट पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर टू सक्सेसिव ईयर्स बी 5700 एंड ₹7410। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी टू सक्सेसिव ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए 5700 और सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया हुआ है, 7410, ठीक है। टू सक्सेसिव ईयर के लिए दिया हुआ, फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं मान लेते हैं, टू सक्सेसिव ईयर दिया हुआ, ठीक है। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका, डिफरेंस इन इंटरेस्ट जो फर्स्ट रिजल्ट है उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। डिफरेंस इन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 7410 माइनस 5700, ठीक है। माइनस करेंगे कितना जाएगा आपका, 0 1, ठीक है। ये कितना जाएगा आपका, 7, और कितना जाएगा ये 1, ठीक है। 1710 आ जाएगा, ठीक है, 0 1 14, ठीक है। तो ये 1710 आ गया आपका डिफरेंस। अब क्या था, डिफरेंस जो था हमने क्या बताया था, इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये 1710 जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कहां से आया, इस इंटरेस्ट से आया, जो फर्स्ट इंटरेस्ट है ना इसी इंटरेस्ट से आया। मतलब उस जब हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये कहां से आया, इस इंटरेस्ट से आया,
तो इस केस में ये इंटरेस्ट हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया, और टाइम पीरियड कितना लेना है आपको, वन लेना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे पी हमारा क्या हो जाएगा, इसी इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट आया है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अगर आप नहीं पे करते हैं तो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो पी इक्वल टू कितना है आपका 5700, इंटरेस्ट कितना दिया आपका 1710, ठीक है 1710, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका वन ईयर होगा, पी कितना हो जाएगा आपका वन ईयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट लगता है केवल वन ईयर के लिए वहां पे लेगा, जो ये डिफरेंस है आपका, ठीक है, रिजल्ट में आपका लिखा भी हुआ था। तो यहाँ पे आप लगाइए आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, ये ना होगा, ठीक है, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, आई कितना दिया हुआ है 1710, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 100, पी कितना दिया हुआ है 5700, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, वन दिया हुआ है, 2020 कैंसल आउट, ठीक है। अब यदि 19 से डिवाइड कीजिए कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, ठीक है, इसको 19 से डिवाइड कीजिए कितने बार में डिवाइड होगा, 90 बार में, ये 1 बार में, ये कितना हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा आपका ये 30% आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे निकला मेरा 30%। डिफरेंस इन इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन प्रीसीडिंग इंटरेस्ट फॉर वन ईयर, ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना गया 1710, ये जो है इंटरेस्ट किससे आया, इस इंटरेस्ट से आया, यानी ये इसी इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट लगा, अगर हमने ये पे नहीं किया तो हमें ये इंटरेस्ट देना पड़ा हमको, ठीक है, और यही एड हो गया आपका 7410 हो गया था। तो जब कैलकुलेट करना हो हमें रेट, उस केस में ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड वन ईयर दिया हुआ है, और इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 30% आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में केवल क्या कैलकुलेट करना था, रेट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जहां पे आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, साथ में सम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सीआई पे है, अभी अमाउंट का क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बता देता हूं। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर इज रूपीज 1089 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज रूपीज 1197.90 रूपीज, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, निकालेंगे इसमें स्टेप वाइज क्या फॉलो करते हैं, पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकाल दीजिए, डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंस इन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, थर्ड ईयर के लिए कितना दिया हुआ 1197.90 माइनस सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया हुआ है 1089, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 1197.90 और 1089.00, ये कितना होगा 0917 में 9 कितना आ जाएगा आपका 8, ये आपका कितना होगा 0, ये आपके कितना होगा 1, कितना आ जाएगा आपका 1089.00, ये आपका डिफरेंस आ गया, सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट कहां से आया, जो हमने फर्स्ट इंटरेस्ट पे नहीं किया था ना, उसी से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो इंटरेस्ट है वो क्या कंसीडर होगा, एज अ प्रिंसिपल, फर्स्ट जो इंटरेस्ट है वो किस रूप में कंसिडर करेंगे उसको, प्रिंसिपल के रूप में, यानी पी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 1089, ठीक है। इंटरेस्ट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1089.90, ठीक है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वन ईयर ही होगा, क्योंकि क्या था डिफरेंस इन इंटरेस्ट, ठीक है, किसको डिफरेंस इन इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट के लिए करते हैं, प्रीसीडिंग
इंटरेस्ट का 1 ईयर के लिए, प्रीसीडिंग इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। आर निकालना है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, ठीक है। अब देखिए आई कितना दिया हुआ आपका 108.90 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय पी कितना दिया हुआ आपका 1089, टी कितना हो जाएगा आपका 1, टी कितना हो जाएगा आपका 1। अब इस पॉइंट को हटाइए तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये 100 आपका और ये 100 दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, आर कैंसल आउट हो जाएगा 1089, यहां पे 10890 अगर इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10%, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10%। ये आपका क्या निकला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दो चीजें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सम ऑफ मनी निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। अब आप सम ऑफ मनी निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ मनी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया होगा, उसमें क्या जब सम ऑफ मनी निकालना पड़ता था तो हम क्या मानते थे, उसे 100 रुपीज मानते थे, ठीक है। तो इसका सेकेंड जो पार्ट है कि सम ऑफ मनी, मैं उसे बता रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, 10% आ गया है, आर इक्वल टू कितना है 10%, ये हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब मानना है लेट सम इक्वल टू 100, सम इक्वल टू 100 माना हमें 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है ना, ये 1089, ठीक है। तो इसी से बनाएंगे हम, पहले मानते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, उसी को यूज करेंगे, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट दिया उसी को यूज करके हम फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10%, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इंटरेस्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है 100, आर कितना दिया हुआ है 10 इंटू 1 बाय 100, कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 10 रुपीज आ जाएगा, इंटरेस्ट 10 रुपीज आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका पी प्लस आई, पी कितना दिया हुआ है 100, आई कितना दिया हुआ है 10, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 110 रुपीज। अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर के लिए कितना गया 110 रुपीज, यही अमाउंट जब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड ईयर के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 110 रुपीज आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, T इक्वल टू कितना है 1 ईयर है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P कितना दिया आपका 110, R कितना दिया हुआ 10, T कितना दिया 1 बाय 100, ठीक है, कितना आ गया आपका 11 रुपीज, कितना आ गया 11 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1089 रुपीज। अब हम बताते हैं इसको, देखिए जब व्हेन इंटरेस्ट, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज, सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11 रुपीज। तो जब इंटरेस्ट हमारा, व्हेन इंटरेस्ट इज ₹11, जब हमारा इंटरेस्ट ₹11 था उस केस में प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज, ₹11 जब आपका इंटरेस्ट था तो उस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज था, ठीक है। अगर हम ₹1, जब हमारा इंटरेस्ट कितना होगा ₹1 होगा, तो उस समय हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100/11 होगा या नहीं होगा, 100/11 हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट 1089 रुपीज होगा तो उस केस में हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100
इंटू 1089 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। ये कितने बार में, 1 बार में जाएगा, 11 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 99, यानी 99 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। तो सम आपका कितना आ गया, 9900 आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 10% आ गया। इस क्वेश्चन में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम दोनों निकाल दिया, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिसिएटेड बाय रुपीज 4000, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय रुपीज 3600 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में दिया है इट्स कॉस्ट, थर्ड नंबर में दिया हुआ है इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। देखिए, कोई भी अगर हम मशीन खरीदते हैं तो जिस तरह वो पुराना होता जाएगा उसका प्राइस क्या होगा, कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई बाइक, ठीक है, 50,000 में खरीदा है तो क्या 2 ईयर्स के बाद उसका प्राइस 50,000 ही होगा, नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 3 ईयर्स के बाद भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का ही एग्जाम्पल एक मशीन का दिया होगा, इसमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, दूसरे प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो घटता जाएगा, प्रिंसिपल क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको बता रहा हूं, पहले क्या है आपको, द कॉस्ट ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 3600 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो डिफरेंस जो दिया हुआ है, ये भी जो जानते हैं, ये आपका जो 3600 है, ये 4000 है, ये ट्रीट कर रहा है किसके तरह, इंटरेस्ट की तरह। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन कितना है, 4000 माइनस 3600, 4000 माइनस 3600 तो कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 400 जो कम हुआ है, ठीक है, डिफरेंस जो आया है, ये किसके वजह से आया हुआ है, इस 4000 की वजह से आया हुआ है। इसी 4000 पे क्या लगा हुआ है, डिप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी अगर हम मानते हैं तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। आई हमारा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। टी कितना हो जाएगा आपका, 1 ईयर हो जाएगा। क्या निकालना है हमें, आर निकालना है। आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इससे आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई कितना दिया हुआ आपका, 400, ठीक है, बाय 100। पी पी कितना दिया हुआ आपका, 4000, ठीक है। टी कितना दिया हुआ आपका, 1 2020 कैंसल आउट, 1010 कैंसल आउट, ये 4 1 4 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 10% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 10%। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में जिस तरह हम बनाए थे सेम, इसमें भी उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% आ गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन जिस तरह हमने बनाया था, जिसमें प्रिंसिपल फाइंड किया था, उसी तरीके से इसमें भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, फाइंड करने से के लिए पहले क्या मानेंगे, लेट ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, 100। 100 मानने का रीजन क्या है, हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ आपका, 100 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। आप निकालते हैं इसमें फर्स्ट ईयर के लिए 4, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करने से पहले यहां पे पी कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। उसके बाद आपका आर कितना दिया हुआ है, हमने फाइंड किया है 10%, ठीक है। टी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, पी इंटू
आर इंटू टी बाई 100, तो कितना हो जाएगा आपका, P कितना दिया हुआ है 100, R कितना है 10, T कितना है 1/100, कितना आ जाएगा आपका 10 रुपीस, कितना हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम 100 रुपीस ओरिजिनल कॉस्ट मानते हैं उस मशीन का, तो हमारा जो डिप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर के लिए वो कितना हो जाएगा 10 रुपीज। जो ये इंटरेस्ट लेके हम बना रहे हैं ना, ये डिप्रिसिएशन है, ये कितना आपका आ गया 10 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आ गया 10 रुपीज। अब देखिए डिप्रिसिएशन 10 रुपीज कब क्यों आया, डिप्रिसिएशन 10 रुपीज क्यों आया, जब हमने ओरिजिनल कॉस्ट कितना लिया, कब आया, जब ओरिजिनल कॉस्ट हमने 100 रुपीज लिया, तो डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन इज रुपीज 10, ठीक है, कब, जब हमारा ओरिजिनल कॉस्ट जो है मशीन का कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, ठीक है। अगर डिप्रिसिएशन 1 रुपीज आएगा तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 100/10, होगा या नहीं होगा। जब डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आया था 4000 आया था ना, तो 4000 अगर डिप्रिसिएशन आया तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन का क्या हो जाएगा 100 × 4000/10, कितना आ जाएगा आपका 40,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तो सेकंड नंबर का आंसर कितना, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया था आपका 10%, सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया आपका 40,000 आ गया सेकंड वाले का आंसर। सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही बन रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन अगर 10 रुपीज आया है तो ये तब आया जब हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मशीन का 100 रुपीज था। अगर 1 रुपीज डिप्रिसिएशन होगा तो कितना हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट 100/10। अगर 4000 डिप्रिसिएशन होगा तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 × 4000/10, यानी 40,000 आ गया। दो डेटा हमने निकाल लिया, ठीक है, दो वैल्यू आ गया, पहला 10% आया, दूसरा आ गया 40,000। अब लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये क्या होगा, इसे मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन का था, ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन का है वो कितना हमने फाइंड किया है, कॉस्ट मशीन का 40,000 फाइंड किया है। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 4000, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 3600, टोटल कितना हुआ आपका 7600, ठीक है। तो थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते यानी बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर मशीन का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर मशीन का जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 40,000 माइनस 4000 प्लस 3600, माइनस कीजिए तो ये आपका आ गया 40,000, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7600, ये जीरो जीरो, कितना आ जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में 7 जाएगा 2, 3, कितना आ जाएगा आपका एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर जो मशीन का कॉस्ट है ओरिजिनल, जो मशीन का कॉस्ट है वो कितना जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, मशीन का कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 32,400 हमें निकालना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी उस थर्ड ईयर में कुछ तो डिप्रिसिएशन हुआ होगा ना, उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे फोर थर्ड ईयर के लिए पी कितना हो जाएगा 32,400 हो जाएगा, ठीक है। आर कितना होगा, आर हमने निकाला है कितना होगा 10%, टी कितना हो जाएगा आपका 1 ईयर,
तो आई मतलब डिप्रेसिएशन, ठीक है, आई कितना हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड, पी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड हो जाएगा, ठीक है। P कितना दिया आपका 32,400, ठीक है। R कितना दिया आपका 10, T कितना दिया आपका 1, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 100, 2020 कैंसिल आउट, 324 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आपका 3240, ठीक है। थर्ड ईयर में कितना डिप्रेसिएशन हुआ 3240। जिस तरह हमने अमाउंट निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, P प्लस आई करते थे, यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन हुआ, प्राइस तो घट गया ना, तो प्लस में करके क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमारा बिगिनिंग में थर्ड ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मशीन का कॉस्ट कितना था 32,400 था, और कितना डिप्रेसिएशन हो गया 3,240 माइनस कर दीजिए 3,240, ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 6, 3 में 2 जाएगा 1, ठीक है, 3 में 2 जाएगा 1, 12 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 9, 2, तो 29,160 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 29,160, ठीक है। तो ये मैंने तीनों पार्ट आपको बता दिया, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराने जाने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ अमाउंट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ओके। तो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो अमाउंट का था, इसपे मैं दो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 6,272 इन टू ईयर्स एंड 7,024.64 इन थ्री ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी। क्या निकालेंगे इसमें भी डिफरेंस, रिजल्ट में क्या हुआ था कि दोनों का जो डिफरेंस था ना, जो अगर सक्सेसिव ईयर दिया रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट कहां से मिला, जो प्रीसीडिंग पीरियड का अमाउंट है, यानी प्रीसीडिंग पीरियड कौन सा है आपका 6,272, ये आपका उस समय प्रिंसिपल ने काम किया, आईसी ने इंटरेस्ट को जनरेट किया, डिफरेंस को, ठीक है। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 7,024.64 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6,272, ठीक है। अमाउंट का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है, माइनस कर दीजिए 7,024.64 6,272 6,272.00, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये 6 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 5, 12 में 7 जाएगा 5, अब यहां से कितना जाएगा आपका 9, 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 752.64 कितना आ जाएगा आपका 752.64, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है आपका, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग अमाउंट, प्रीसीडिंग अमाउंट यानी पहले जो अमाउंट दिया, पहला अमाउंट क्या है 6,272, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा आपका 6,272, ठीक है। इंटरेस्ट आई कितना दिया आपका 752.64, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 ईयर, दोनों का डिफरेंस है केवल 1 ईयर के लिए लेना है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 ईयर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आई का ही फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, आई कितना दिया हुआ है 752.64
इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी कितना दिया आपका 6272, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 टाइप पीरियड 1, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे कितना होगा 20। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इससे इसको आप डिवाइड कीजिएगा, हमने डिवाइड किया हुआ है पहले से ही, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 12% आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 12% आ जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 12% आ गया, ठीक है। कैसे निकाला था, पहले हमने डिफरेंस निकाला, अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ गया था 752.64। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कहां से कैलकुलेट हुआ है, इस अमाउंट से कैलकुलेट हुआ है, यानी ये अमाउंट क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6272, आई आपका इंटरेस्ट टाइम पीरियड 1 ईयर भी लेना है, आर निकाल दिया हमने 12% आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, सम ऑफ मनी निकालना है, सेम तरीका जो हमने इससे पहले फॉलो किया था। सम ऑफ मनी निकालने के लिए क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे सम इक्वल टू कितना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू मेरा आ गया है यहां पे आपका 12%, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। लेट सम इक्वल टू 100, ठीक है, सम हमने कितना मान लिया 100 माना है, ठीक है। आप लेते हैं फिर फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, इसको यूज करना है 6272 फर्स्ट वाले को, ही पी इक्वल टू 100, ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12%, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी कितना दिया हुआ है 100, आर कितना दिया हुआ आपका 12, टी कितना दिया हुआ 1 बाई 100, यानी कितना जाएगा आपका 12, आई कितना जाएगा आपका 12, तो अमाउंट कितना हो जाएगा पी प्लस आई, पी कितना दिया हुआ आपका 100 प्लस आई, आई कितना दिया हुआ आपका 12, कितना जाएगा 112, अमाउंट कितना जाएगा आपका 112 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आया, अब यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टू इयर्स दिया हुआ है तो टू इयर्स तक ही कैलकुलेट करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। पी इक्वल टू कितना जाएगा आपका 112 हो जाएगा 112, ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12%, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी 112 × 12, ठीक है, इंटू 1/100, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 कितना हो जाएगा 24, 12 × 12 = 2, 14, 4 यहाँ पे कितना जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 13.44, कितना जाएगा आपका 13.44 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, अगर ये आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम अमाउंट निकालेंगे, क्यों अमाउंट निकालेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन था जहां पे सीआई के केस में जब हमें निकालना पड़ता था सम, तो उस केस में केवल हम इंटरेस्ट को यूज करते थे, बट क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस पी प्लस आई, पी कितना दिया हुआ आपका 112 दिया हुआ है, पी आपका कितना दिया हुआ 112, तो 112 प्लस आई, आई कितना दिया होगा 13.44, दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना जाएगा 125.44, ये आपका क्या है अमाउंट आ गया, ठीक है। अब देखिए अमाउंट इज 125.44, अमाउंट इज 125.44 कब आया, जब हमारा जो सम था जो प्रिंसिपल था वो कितना था 100 रुपीज, तो अमाउंट जब 1 रुपीज होगा तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 बाय
125.44 होगा या नहीं होगा। जब अब देखिए, अब हमारा जो अमाउंट है कितना है 6272। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 × 6272 डिवाइडेड बाय 125.44 100 × 6272 डिवाइडेड बाय 125.44। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है 100 × 6272 डिवाइडेड बाय 125.44। पॉइंट को हटाए तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 62, अब देखिए 6272 ये दो बार में कट जाएगा, काटेंगे तो पूरा का पूरा जो है दो बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा 50 बार में, तो 50 × 100 कितना हो जाएगा आपका 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 आ जाएगा आपका। सम कितना आ जाएगा आपका 5000, सम कितना आ जाएगा आपका 5000। कैसे हमने निकाला, सम को हमने क्या कंसिडर कर लिया 100 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा पी कितना हो जाएगा 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12%, टी कितना हो जाएगा 1, तो 1 ईयर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 12, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 12 यानी 112। अब यही 112 जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 112, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टी इक्वल टू 1, आई निकाला हमने कितना आ गया 13.44। अब हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो पी दिया हुआ प्रिंसिपल प्लस आई, पी प्लस आई मतलब 112 + 13.44 तो कितना आ जाएगा आपका 125.44। और जब 125.44 अमाउंट था उस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना था 100 था, जब हमारा अमाउंट 6272 होगा तो उस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूं, इस पे अमाउंट पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 5292 इन 2 ईयर्स एंड रुपीज 5556.60 इन 3 ईयर्स इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम। क्वेश्चन मतलब क्या दिया हुआ है कि किसी भी सम पे 2 ईयर्स में जो हमारा अमाउंट है वो हो जा रहा है 5292 रुपीज और 3 ईयर्स में जो हमारा अमाउंट है वो हो जा रहा है 5556.60 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है और सम फाइंड करना है यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है, जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, क्या निकालेंगे इसमें, हम इसमें निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस जो निकलता है अमाउंट का वो हमारा क्या होता है इंटरेस्ट होता है। डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5556.60 माइनस कितना दिया हुआ है 5292। ठीक है, तो ये यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं 5556.60 और 5292.00, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 15 में 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, यहां आपका आ गया 2, कितना आ गया आपका 264.60। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं 0 6 6 में 2 गया 4। ठीक है, 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ पे 4 4 में 2 2 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल आउट। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 264.60। ये हमारा इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट हुआ है, इस अमाउंट से कैलकुलेट हुआ है, यानी ये जो अमाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5292। ठीक है, 5292 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 264.60। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1, टाइम पीरियड 1 ईयर लेना है क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रीसीडिंग अमाउंट का
इंटरेस्ट होता है किस कितने ईयर के लिए, वन ईयर के लिए, इसलिए हमने अमाउंट ले लिया, ये इंटरेस्ट ये लिया, टाइम पीरियड वन लिया, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। कैलकुलेट कीजिए, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 264.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी कितना दिया हुआ है आपका, 5292 इंटू 1। इस पॉइंट को हटाइए तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0000। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 ये डायरेक्टली अगर आप डिवाइड करेंगे कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 5% आ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ गया, 5% आ गया। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, अमाउंट का डिफरेंस। तो अमाउंट का जो डिफरेंस निकला वही आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और ये इंटरेस्ट जो हुआ वो कहां से कैलकुलेट हुआ है, इस अमाउंट से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए ये जो इंटरेस्ट है इस अमाउंट से कैलकुलेट हुआ है। अब रेट फाइंड करने के लिए इस अमाउंट, ये अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड वन लेंगे और इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 5% आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, कि फाइंड द सम, सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या करते हैं कि सम को हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपीज मान लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो हम उसी तरह कैलकुलेट करते हैं, रेट हमने कितना फाइंड किया है, 5% फाइंड किया है, ठीक है। लेट सम इक्वल टू 100, ठीक है। किसको यूज करना है, हमें इससे यूज करना है, किन 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसे यूज करना है। फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि थर्ड ईयर 3 ईयर्स के लिए निकालना पड़ेगा, तो जो नजदीक वाला है उसे ही करें, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स में ही हम हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए यूज करते हैं, पी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, 100 दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ आपका, 5% दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ आपका, 1 दिया हुआ है, ठीक है। आई कितना हो जाएगा आपका, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी कितना दिया हुआ आपका, 100, आर कितना दिया हुआ आपका, 5t1/100 कितना आ जाएगा आपका, 5 rupees। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, पी प्लस आई, पी कितना दिया हुआ है, 100 प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। ये 105 जो अमाउंट है, जब हम सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है, फॉर सेकंड ईयर। फॉर सेकंड ईयर के लिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 105, ठीक है। R कितना हो जाएगा आपका, 5%, T कितना हो जाएगा आपका, 1। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P कितना दिया होगा आपका, 105 इंटू 5 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 525 डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना जाएगा आपका, 5.25। इंटरेस्ट कितना जाएगा आपका, 5.25। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका P प्लस आई, P कितना दिया हुआ है, 105 प्लस 5.25, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा, 110.25, ठीक है। अब देखिए अमाउंट 110.25 कब आया, जब हमारा सम कितना था, 100 था। अमाउंट इज 110.25 कब, कब हमने कैलकुलेट किया 110.25,
जब हमारा सम कितना था 100 था, सम हमने रखा था 100, जब अमाउंट हमारा 1 रुपीज होगा उस समय हमारा सम क्या हो जाएगा 100/110.25। अब अमाउंट कितना दिया हुआ हमारा 5,292। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 × 5,292/110.25। ठीक है, 110.25 इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना दिया हुआ है 100 × 5,292/110.25। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 100। ठीक है, अब तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 100 × 5,292/110.25 तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 4800। कितना आ जाएगा आपका 4800 आ जाएगा, यानी सम जो है सम कितना आ जाएगा आपका 4800 आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5% आ गया। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको अमाउंट पे कराए। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ और रिजल्ट्स हैं, कुछ और रिजल्ट्स सीआई के होंगे, कुछ और रिजल्ट्स अमाउंट के होंगे। ठीक है, उस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।